हाउ टू मैरी मुस्लिम गर्ल इन इंडिया, मुस्लिम लड़की से शादी कैसे करें। दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं मिलेगा। अगर कोई वीडियो होता जो सच में बताता कि इंडिया में मुस्लिम लड़की से शादी कैसे करें तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। लेकिन मैंने देखा कि यूट्यूब पर इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं था और कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो था इस टॉपिक पर वो नहीं था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश आपका इंटरेस्ट मुस्लिम लड़कियों की तरफ है, तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आपकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हो जाएगी और आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैं 12th में पढ़ता था यानी इंटर में था, तो उस समय मुझे एक लड़की से बहुत प्यार हुआ था। जो पहला प्यार होता है जिसको आप सबको होता है, वैसे मेरा भी हुआ था। और वो लड़की मेरे मोहल्ले में ही रहती थी और वो एक मुस्लिम लड़की थी। मेरा उससे काफ़ी प्यार था, बहुत एकदम ट्रू वाला लव था। उसको भी मुझसे प्यार था। हम लोग उस समय, जो है काफ़ी पहले की ये बात है, हम लोग मिलते थे, बात करते थे। उस समय फ़ोन वगैरह उतना नहीं था तो हम लोग एक दूसरे को लेटर्स वगैरह भी लिखते थे और हम लोग का एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल अफेयर था। मैं एक हिंदू था और वो एक मुस्लिम थी। लेकिन हम लोग के प्यार को देखते हुए उसके फैमिली वालों ने, जो कि उसके पापा ने, उसके मम्मी ने, वो जानते थे मेरे बारे में। मैं बहुत कम एज का था, उसमें मैं ग्रेजुएशन में भी नहीं आया था, तभी उसके पिताजी मेरे घर पर मेरे से मतलब अपनी बेटी की शादी की बात करने आए। उनकी मम्मी और पापा दोनों लोग मेरे घर आए थे। लेकिन मेरे घर वालों ने यही बोला कि हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत छोटे हैं ये, अभी तो ये 12th में है, अभी इसकी एज जो है 18 साल भी पूरी नहीं है। और जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी एज 14-15 साल थी, वो 9th में थी। तो बोले अभी तो ये लोग बहुत छोटे हैं, तो आगे इन फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होगा तो ठीक है, अभी एज की वजह से हम अभी शादी नहीं कर सकते। तो ऐसा मेरे बताने का मतलब क्या है, ये बात मेरे बताने का मतलब ये है कि इंडिया में आप मुस्लिम लड़की से शादी कर सकते हैं। अगर आपका कोई अफेयर है, आप किसी से प्यार करते हैं, वो लड़की भी आपसे प्यार करती है, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरे से बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार करती थी कि उसने अपने घर में सब कुछ बताया था और उसके घर वाले भी एग्री थे, तभी मेरे घर आए थे और उन्होंने बिल्कुल बात किया था। लेकिन ये अलग बात है कि आगे चलकर फ्यूचर में हम लोग की शादी नहीं हो पाई, उसकी शादी कहीं और हो गई और मैंने तो कभी शादी नहीं किया, अभी तक मैं अनमैरिड ही हूँ, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर एक दूसरे का प्यार है तो आज भी इंडिया में बहुत से ऐसे मुस्लिम फैमिली हैं जो और हिंदू फैमिली हैं जो कोई बुरा नहीं मानते हैं, बड़े आराम से वो एग्री कर जाते हैं और शादी हो जाती है बहुत सारे हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से, और बहुत सारे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से भी शादी इसी तरीके से लव मैरिज किया है। तो इंडिया में जो मुस्लिम या हिंदू लड़के लड़कियों की शादी होती है वो नॉर्मली या इस तरीके से आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लव मैरिज होती है। अगर एक दूसरे से लड़का लड़की प्यार करते हैं, हिंदू है मुस्लिम है, उनकी मर्जी होती है तो वो कर लेते हैं, और मामले में ज़्यादातर घर वाले तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में अगर नहीं तैयार होते तो भी अगर आप बालिग हैं, एडल्ट हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और अपना लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हैं। जैसे मैं एक ब्राह्मण हूं तो मेरे घर पे मेरे कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे रिलेटिव आए, शादी की बातें आई, तो ऐसे तो आता है। लेकिन अगर आप एक हिंदू हैं तो आपके घर किसी मुस्लिम का रिश्ता तो नहीं आएगा, और अगर आप एक मुस्लिम है तो आपके घर हिंदू का रिश्ता तो नहीं आएगा, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई हो जाता है, कुछ रिलेशन ऐसा हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, कोई से अफेयर हो जाता है, फ्रेंडशिप हो जाती है, और ये रिलेशन आगे जाकर इतना डीप हो जाता है कि शादी करने की बात आ जाती है, तो इस तरीके से ही इंडिया में हिंदू मुस्लिम की शादी होती है। कोई लीगल तरीका नहीं है यहाँ पर, या कोई अथॉराइज तरीके से ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली लव मैरिज के जरिए ही इंडिया में हिंदू मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादियां होती हैं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप भी एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते हैं या मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो आपके अगर नज़र में कोई वैसा है कि कोई आप किसी को पसंद करती हैं तो उसको आपको प्रपोज करना चाहिए, बोलना चाहिए, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी आपको कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उससे इसके बारे में बात करना चाहिए, और फिर अगर आप लोगों का सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप लोग शादी कर सकते हैं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है इंडिया में मुस्लिम लड़कियों से या लड़कों से शादी करने की। आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।